जय श्री कृष्णा। आज हम बना रहे हैं केरी का अचार, जो कि सालों साल खराब नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले अचार बनाने के लिए मैंने इस तरह से केरी के टुकड़े कर लिए थे और हल्दी नमक लगा के इसको रात भर रख दिया था और सुबह एक आध घंटा इसको पंखे के नीचे थोड़ा सा सुखा लिया। ज़्यादा नहीं सुखाना, बस एक आध घंटे ही। तो देखिए, इस तरह से ही हो गए। अब हम मसाला लेंगे। तो मसाला देखिए, आप अपने हिसाब से लीजिए, कोई ज़्यादा खाता है मसाला, कोई तेज। हमारे यहाँ ज़्यादा मसाले वाला अचार डलता है। तो देखिए, मैंने ये राई ली है, ये बाज़ार की ही राई है, इसको मैंने थोड़ा सा मिक्सी में पीस लिया है। ये बाज़ार का रेडीमेड अचार का मसाला है। ये सौंफ है, हींग, लौंग, मेथी को थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है, काली मिर्च ये भी दरदरी पीस ली है, सौंफ को भी मैंने पीसा है, हल्दी, नमक और ये लाल मिर्च। ये तेल थोड़ा गर्म करके इसमें हींग और मेथी डाल दी है। ये एक किलो तेल गर्म करके इसको ठंडा कर लिया है। तो बस अब हम अचार बनाने के लिए सबसे पहले, तो देखिए ये राई और ये बाजार का मसाला और ये सौंफ, हम इनको मिला देंगे अच्छे से। इसी में मैं थोड़ी सी हल्दी मिला दूंगी, देखिए थोड़ी सी। बाकी रेडीमेड मसाले में इसमें सब चीज़ डली हुई थी, तो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मिला रही हूँ। हींग, तो थोड़ी सी हींग हम इसमें मिलाएंगे और बाकी हम तेल में डालेंगे। और ये मेथी दाना भी मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी और बाकी तेल में डालूंगी। ये नमक का आप ध्यान रखिए, हमने केरी के टुकड़ों में भी डाला था और ये बाजार के ये वाले मसाले में भी डाला था। तो आप अंदाज से थोड़ा सा बाद में चाहे तो चख ले। तो बस ये देखिए, इस तरह से हमने अच्छे से मिला लिया इसको। देखिए, ये थोड़ी सी लाल मिर्ची भी मैंने इसमें और ऊपर से डाल दी है, क्योंकि अचार चटपटा ही अच्छा लगता है। देखिए, ये थोड़े से लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च। अब देखिए, ये हमारा अचार का मसाला बनके तैयार हो गया। तो मैंने थोड़े तेल में राई और मेथी पहले ही डाल दी थी, लेकिन थोड़ा सा तेल अभी हम इसमें भी ये मेथी डाल देंगे। देखिए, ये मेथी डाल दी हमने, हींग, इसमें अचार में हींग ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ी हींग डाल दी। और मैंने थोड़े से लौंग इसमें भी डाल दिए, थोड़े से। देखिए, ये डालने के बाद हम जो ये मसाला बनाया था, हम ये तेल में मिला देंगे इसको ऐसे। मैंने सौंफ ज़्यादा ली है, आपको कम लगे तो आप कम डालें। सारी चीज़ें स्वाद के अनुसार मिलाएं, आप जैसा खाते हैं। और ये अचार कभी ख़राब नहीं होता। नमक आपको कम लगे तो थोड़ा सा चख लें। और देखिए, और मैं ये सारे इसमें डाल दूंगी। देखिए, बढ़िया सूख गए हैं ये। देखिए, इस तरह से बढ़िया हो गए। इसके बाद जो ये हमने मसाला तैयार किया है, ये डाल देंगे इसमें। देखिए, अच्छे से इसको मिला लेंगे। ये मैंने तेल डाल दिया, मैंने अभी पूरा नहीं डाला है, देखिए इतना बचा लिया, बाद में डालेंगे। बस हम इसको इस तरह से, हाँ ये देखिए कितना बढ़िया अचार बनके ये तैयार है। और बस अब हम इसको ठंडा होने देंगे और फिर एक साफ सुथरी बर्नी में भर देंगे। तो अभी हम इसको कम से कम 2 से 3 घंटे तक इसको इसी तरह मैं थाली में रखा रहने दूंगी और एक पतला सा कपड़ा ढक दूंगी या थोड़ा सा ऐसे ही रहने दूंगी।
और बहुत टेस्टी अचार बन के ये तैयार है। अब 3-4 घंटे के बाद अचार को हम एक बर्नी में भरकर रख देंगे। तुम आप चाहे तो कांच की बर्नी ले ले, आप चाहे तो प्लास्टिक की बर्नी ले ले, ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और बस इसके बाद हम इसमें डाल देंगे तेल, जो बचा हुआ तेल था वो। बस अब हम इस अचार को स्टोर करके रख सकते हैं, साल दो साल ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। जय श्री कृष्णा।